जय हिंद एवरीवन। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का अनाउंसमेंट, भारत का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किसी भी डिफेंस एकेडमी के द्वारा किया गया अनाउंसमेंट होगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आज तक इतना बड़ा अनाउंसमेंट किसी भी रक्षा क्षेत्र में किसी भी संस्थान ने नहीं किया है। तो आइए देखते हैं वो अनाउंसमेंट क्या है। मैं सच बता रहा हूं आपको, बेस्ट फैकल्टी के द्वारा बेस्ट चीजों को प्रोवाइड करते हुए सच में इतना बड़ा अनाउंसमेंट नहीं होगा। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद इस बात को लेकर कमेंट करेंगे कि इससे बड़ा अनाउंसमेंट आज तक किसी भी रक्षा क्षेत्र में किसी भी डिफेंस संस्थान द्वारा नहीं किया गया है। वो क्या है अनाउंसमेंट, जरा देखिएगा। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आपको दिख रहा है यहां पर, और सीधी सी बात है, डिफेंस की एकेडमी है तो डिफेंस से रिलेटेड ही कोई अनाउंसमेंट होगा आप सभी बच्चों के लिए। तो ओपन होता है आपका अनाउंसमेंट 100% फ्री, ये बात ध्यान में रखिए। एक सिंगल रुपी भी आपको इस जो सर्विसेज आपको मिलने वाली है उसके लिए नहीं पे करना पड़ेगा, यानी कि 100% फ्री है। क्या है ये? लॉन्चिंग सुपर 50 एसएसबी बैच, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। एक बात और दिमाग में रखिए, ये टोटल फ्री एसएसबी बैच है, किसी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, किसी भी प्रकार के एसडी मटेरियल के लिए फीस नहीं है, आपको टोटल फ्री दिया जा रहा है। अब दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर अगर टोटल फ्री है, कई बार दिमाग में बच्चों के आता है कि ऐसा ना हो यार कि फ्री के चक्कर में हमें गाइडेंस अच्छी ना मिले। आप जानते हैं वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी आपको इंडिया के बेस्ट पैनल के द्वारा एसएसबी इंटरव्यू की आपकी प्रिपरेशन करवाता है, चाहे वो एनडीए की एसएसबी हो, सीडीएस की हो, एफकैट की हो, या किसी भी इंटरव्यू के थ्रू आप एसएसबी में जा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, आपको प्रॉपर क्वालिफाइड एसएसएस मिलते हैं यहां पर, जिन्होंने हजारों बच्चों को टेस्टिंग किया है अपने एसएसबी बोर्ड्स में अपने समय में, वो आपको यहां गाइड करते हैं। मैं उनका एक एक इंट्रोडक्शन भी दूंगा और इस बैच के बारे में कंप्लीट में बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले जो हमारे एसएसबी के मेंटोर्स हैं, हमारे टीम के लीडिंग मेंबर्स हैं, जो मेंटोरशिप और उनकी गाइडेंस में एसएसबी की चीजें चल रही है, वो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल दुसैन सिंह सर हैं। अब आप लेफ्टिनेंट जनरल जैसे पोस्ट पर पहुंचते हैं तो कितना वास्ट एक्सपीरियंस हो जाता है, वो आपको सर पीबीएसएम भी रिसीव कर चुके हैं, सर एवीएसएम भी रिसीव कर चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और डीजी ऑफ आर्मी वॉर कॉलेज महो, डीजी ऑफ आर्मी वॉर कॉलेज महो में पोस्टेड भी रह चुके हैं। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है सर का, और सर यहां पर आपको इंटरव्यू की टेक्निक्स के लिए गाइड करेंगे, इंटरव्यू आपका पर्सनल लेंगे। आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर यहां एक कैडेट है हमारा जो इंटरव्यू सर उसका कंडक्ट कर रहे हैं। सर का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि सिर्फ आप कल्पना भर कर सकते हैं कि ऐसे ज्यादा हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी के सामने आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। यह आपके लिए सिर्फ एक कल्पना भर है और इसके आगे कुछ नहीं है। आप देख पा रहे होंगे सर के कुछ पिक्चर्स मैंने आपके सामने लगाए हैं, जब वो सर्विस के दौरान उन्होंने अलग अलग समय पर उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, अलग अलग समय पर भारत को प्राउड फील कराया है, तो कुछ झलकियां सर का मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल दुसैन सिंह सर हैं, जो टीम के लीडिंग मेंबर्स हैं, जिनके गाइडेंस में पूरी प्रिपरेशन आपकी होगी कंप्लीट। दूसरे जिसे एसएसबी का महागुरु कहा जाता है, जीटीओ एंड साइकोलॉजिस्ट बोथ एक्सपर्ट। बहुत कम ऐसा भारत में होता है कि कोई ऑफिसर जीटीओ भी हो और साथ में साइकोलॉजिस्ट हो। हमारे कर्नल आर के तिवारी सर जो रिटायर्ड है, एक्स जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं अलग अलग बोर्ड्स में, हजारों बच्चों को वहां पर इन्होंने ट्रेंड किया है किस तरीके से बच्चों की क्वालिटीज देखी जाती हैं, क्या क्या बच्चा गलतियां करता है। तो यहां पर आपको टीम में जब अभी जुड़ेंगे सर तो कंप्लीट आपको जीटीओ का पार्ट कराने वाले हैं। जीटीओ करते समय आप देख भी रहे होंगे सर परफॉर्म करा रहे हैं बच्चों को, आउटडोर टास्क में आप देख पा रहे होंगे कि कंप्लीट सर का जो एक्सपोजर है। मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मेरा जो अभी तक अनुभव है सर को लेकर, सर ने अपने घर में एक कमरे में बैठा के बच्चों को पढ़ाया। इसके पहले जब वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के साथ सर एसोसिएटेड नहीं थे तो घर पे ही इंडिविजुअल गाइडेंस देते थे। 350 से ज्यादा ऑफिसर्स सर ने एक कमरे से बनाया है, सोचिए।
और यहां पर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के साथ बैठकर अब सैकड़ों बच्चों को एसएसबी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें सर प्रॉपर इस समय जीटीओ का पार्ट आपका देखेंगे इस सुपर 50 मैच के लिए। क्लियर है? पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद इसका प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आप ज्वाइन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा आउटडोर जो है, जहां पर ग्राउंड में आप जाते हैं जीटीओ के लिए, वहां पर सर प्रॉपर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और अलग अलग जो टास्क होते हैं आपके, चाहे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, चाहे आपका हाफ ग्रुप टास्क है, चाहे आपका फाइनल ग्रुप टास्क है, या कमांड टास्क है, या आपका जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, या स्नेक रेस वगैरह होती है, उसके लिए प्रॉपर एक एक बच्चे को इंडिविजुअल सर गाइड करेंगे। इसके बाद सर के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, जो बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा, अगर वो कभी एसएसबी दिया है, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, तो वो सर कमांडेंट योगेश दत्ता सर को तो जरूर जानता होगा। इंडिया के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट में से एक है, लीडिंग साइकोलॉजिस्ट है इंडिया के, नंबर वन में आते हैं सर, जिन्होंने अपने कह लीजिए कि जो तरीके हैं, जिस तरीके से सर बोर्ड्स में बच्चों को जज किए, सर प्रॉपर ये जितने भी एसएसएस आप देख रहे हैं, ये सब क्वालिफाइड एसएसएस हैं। ऐसा नहीं कि मैं फौज में अधिकारी था और मैं आके एसएसबी पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर एसएसबी के लिए रिकमेंडेड हैं, एसएसबी बोर्ड्स में रह चुके हैं। और योगेश दत्ता सर को तो आप जानते होंगे, जितने भी बच्चे हैं, अगर नहीं जानते, आप YouTube पर जाकर सिर्फ योगेश दत्ता सर का नाम डालिए, आपको सैकड़ों वीडियो सर की मिल जाएगी, इतनी बड़ी सर की फैन फॉलोइंग है। वो वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के साथ एसोसिएटेड हैं और आपको फुली साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करवाते हैं। आप देख पा रहे हैं अभी इसके जस्ट पहले वाला जो बैच है एसएसबी का, वो अभी जस्ट पास आउट हुआ है। अभी देख सकते हैं आप ये, आप योगेश दत्ता सर को, कि जस्ट पास आउट हुआ है और यहां पर सर ने उन बच्चों को ट्रेंड किया है जो एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, आईएफ कैट के लिए, अपनी एसएसबी के लिए जा रहे थे। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपके जब आप यहां पर साइकोलॉजी की या किसी भी इंस्टीट्यूट में साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करते हैं, तो कुछ आप जानते हैं कि टीएटी होता है, डब्ल्यूईटी होता है, एसआरटी होता है, और एसडीटी होता है। ये चार चीजें हैं जो आपको साइकोलॉजी में परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो उनमें क्या, जब आप स्टोरी राइटिंग कर रहे होते हैं पिक्चर्स को देखकर, तो क्या कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, और स्टोरी किस प्रकार से आपको लिखनी है, आपकी पर्सनैलिटी से मैच करते हुए, वो प्रॉपर वेरीफाई करते हुए सर क्लार, सर का तो मैं इंडिविजुअल जानता हूं कि सुबह 9 बजे से लेकर, बेटा सुबह 9 बजे से लेकर 9 AM से लेकर, ये समझ लीजिए 5 PM तक कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। और इस बैच के लिए जो सुपर 50 बैच है, इस बैच के लिए सर ने कहा है कि मैं 9 बजे से लेकर 9 AM से मैं सीधा 8 PM तक पढ़ाने वाला हूं बच्चों को। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, विदाउट पेइंग एनी सिंगल रुपी, एक रुपए भी आपका नहीं। बहुत बार देखा गया कि अच्छे अच्छे बच्चे पेपर मेहनत करके निकाल ले जाते हैं, बट वो बड़े इंस्टीट्यूट को पैसे की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाते। हमारे पास भी बच्चों के कॉल आते हैं, अभी भी हमारा बैच जो चल रहा था वो पेड चल रहा था, बट मुझे लगा ऐसा क्योंकि अभी एनडीए की एसएसबी अपकमिंग है, सीडीएस की आने वाली है, तो एक डिफेंस के सेक्टर में बच्चों ने इतना प्यार दिया है वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को, पूरे इंडिया के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, तो चलिए एक बार सुपर 50 बैच लॉन्च करते हैं। ये सर लोगों का वो था, मेरा सजेशन था, फिर सर लोगों से गाइडेंस मैंने लिया, सबने कहा कि ये जो आपका पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जमाने में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सच में, जिनको 10,000-15,000 भी पे करने में दिक्कत होती है, उन बच्चों के लिए कंप्लीट फ्री है और ये आपको एसएसबी का प्रॉपर फुल गाइडेंस मिलने वाला है। तो आपने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल दुसैन सिंह के द्वारा आप इंटरव्यू अपना टेक्निक सीखेंगे, आप कर्नल आरके तिवारी सर के द्वारा आप जीटीयू सीखेंगे, और आप कमांडेंट योगेश दत्ता के द्वारा साइकोलॉजिस्ट का पाठ पढ़ेंगे। उसके अलावा एसएसबी में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल बातें होती हैं आउटडोर में, और प्रैक्टिस वाली बातें होती हैं, आपका ओआईआर टेस्ट होता है, पीपीडीटी वगैरह, जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट दोनों मिलकर सर लोग करवाएंगे आपका पर डे कंडक्ट लाइव। अभी एक वीडियो हमारा यूट्यूब पर पड़ा है, आप वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका पीपीडीटी का सेशन कराया जाता है। तो आइए इस पैनल में आगे बढ़ते हैं कि जो अगले मेंबर है हमारे, वो है हमारे कर्नल विजय चौहान सर, जो मेडिकल ऑफिसर थे, जिन्होंने हजारों बच्चों का मेडिकल टेस्ट किया है और उनको ऑफिसर बनाया है।
तो एग्जैक्ट क्या सजेशन होना चाहिए? अगर छोटी मोटी दिक्कतें हैं आपके मेडिकल से रिलेटेड, आप मेरे पास आते हैं कि मुझे सर ये सजेशन चाहिए, तो सर से डायरेक्ट में आपको आपके मेडिकल से रिलेटेड आपको सजेशन मिल जाएंगे। ये सब बेटा जितना भी आप देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि एक सपना जैसा है कि फ्री में कैसे कोई दे सकता है। विदाउट एनी सिंगल रुपी पेइंग बेटा आपको फ्री में ये सारी सुविधाएं मिलने वाली है, फ्री में मिलने वाली है। और मैं खुद क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, लगभग 14 साल हो गया इस फील्ड में मुझे रहते हुए, मैंने भी 2 कॉन्फ्रेंस दे रखा है SSB का, तो सर के साथ बैठते बैठते और इतना ढेर सारा एक्सपोजर के साथ मुझे खुद आइडिया है कि जब आप ग्राउंड में होते हैं तो ग्राउंड में आपका एक ग्रुप का मेंबर जो होता है ना, जो एक टीम लीडर की भावना होती है कि ग्रुप को कैसे लेकर चलना है, PGT में जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सर ने एक्सप्लेन किया कराया, उसके बाद रगड़ के प्रैक्टिस में आपका कराता हूं। तो आउटडोर में आप मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए और चलेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सिचुएशंस क्रिएट किए जाएंगे कि किस तरीके से आप टास्क में और अच्छा परफॉर्म कर पाए। साथ में आपके डिफेंस रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज होती है किसी भी तरीके से आपसे मैं मिलता रहता हूं। PIQ फॉर्म जो भी आप भरते हैं अपने, उसमें कई बार आप गलतियां करते हैं, ये सब कुछ बताता रहता हूं अंडर द विजिलेंस ऑफ ए सीनियर मोस्ट डिफेंस ऑफिसर्स, ध्यान रखिएगा। और जो सबसे आप देख पा रहे हैं अभी ये बैच जस्ट पास आउट हुआ है, ये जितने आगे बच्चे देख रहे हैं ये सब अपकमिंग SSB के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे और अभी ये जस्ट ये बैच ओवर हुआ है, इनके इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो गए हैं, GT और साइकोलॉजी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इनका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। ये सारे बच्चे अभी बिल्कुल लेटेस्ट पिक है, अभी आपकी जो देख रहे हैं अभी की ये लेटेस्ट पिक है जो आप प्रॉपर देख पा रहे हैं। और जो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है और जो OIR टेस्ट है जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में होता है, जो आपके कॉन्फ्रेंस तक जाएगा, अगर OIR 1 होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट करता है आपके प्रोफाइल पर, आपके कह लीजिए जो SSS होते हैं उनके माइंड पर। तो OIR और बेहतर कैसे हो सके, तो हमारे प्रशांत सर हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी आपको गाइड करते हैं कि और डेली रूटीन में आप क्या करें और हैबिट्स कैसे होने चाहिए ताकि SSB के फेवरेबल SSB की जो रिक्वायरमेंट है उस तरीके से अपने आप को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर पाएं। वो डेली हैबिट से ही ये क्वालिटीज हमारे अंदर पैदा होती हैं, आपको पता है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कोई किताब को पढ़ा और क्वालिटीज इनहेरिट हो गई और मैं ऑफिसर बन गया। ऑफिसर बनने के लिए जो डेली एक्शंस हैं आपके समाज में, घर में, बाहर, क्लासरूम में और जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो सब रोल निभाती है धीरे धीरे करके आपकी सारी क्वालिटीज़ को फॉर्म करने में। तो उसमें बहुत अहम रोल निभाते हैं हमारे प्रशांत सिंह सर, जिसमें OIR टेस्ट की प्रॉपर प्रैक्टिस डेली आपकी चलेगी ताकि आपका OIR बेहतर हो जाए। और उसके अलग अलग प्रकार के स्पीड टेस्ट भी होते हैं और अगर किसी पर्टिकुलर उसमें डाउट है तो उसकी थ्योरी भी आपको प्रॉपर कराई जाएगी और उसका डिस्कशन भी कराया जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से ये आउटडोर का कुछ ग्लिम्स है, प्रॉपर वेल कह लीजिए, इक्विप्ड कह लीजिए एक हिसाब से, हर वो चीज जो SSB में कराई जाती है, चाहे इंडिविजुअल टास्क हो चाहे आपके ग्रुप टास्क जो आपके हैं सारे, उन सब का स्ट्रक्चर हमारे इस इंडिया के लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट GTO ग्राउंड में उपस्थित है। और ये सब एक्सपीरियंस करने को बेटा आपको टोटल फ्री मिलने वाला है, कोई चार्ज आपको इसके लिए नहीं पे करना है। ये बैच, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कब से शुरू होने जा रहा है ये बैच, स्टार्ट होने जा रहा है ये बैच आपका जो स्टार्ट होगा वो 7 जून से स्टार्ट हो रहा है, इसी 7 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये सुपर 50 जो बैच हमने लॉन्च किया है, ये जो अपकमिंग, ध्यान रखिएगा ये हमेशा के लिए नहीं है बेटा, ये जो अपकमिंग SSB है, जो अभी NDA की SSB अपकमिंग है, CDS की आने वाली SSB है और FCAT की अपकमिंग जो SSB चल रही है, इन SSB के लिए ये सुपर 50 बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच की थोड़ी खासियत होने वाली है कि जब आप हमारे यहां पर आएंगे तो आपका एक बेसिक सा OIR का टेस्ट लिया जाएगा और उसी के बेसिस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा इस सुपर 50 बैच में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितने बच्चे भी अभी अपकमिंग 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में SSB को जाने वाले हैं, आप बेटा अगर बॉर्डर लाइन है या आसपास है, आपको लगता है यार कोई अच्छी गाइडेंस मिल जाए और हम निकल जाए, या आपने कहीं ऐसी जगह से गाइडेंस लिया जहां पर क्वालिफाइड SSS नहीं मिले आपको, आपने वहां पैसे भी दिया फिर भी आपको क्वालिफाइड SSS नहीं मिले, उन सारे बच्चों का वेलकम है। इस 15 से 18 दिन का प्रोग्राम है आपका, ये 15 से 18 दिन का प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करें बेटा। आसपास अगर आप कहीं भटक रहे होंगे निश्चित तौर पर आप फाइनल रिकमेंड हो जाएंगे SSB में। तो आपको 7 जून से इस बैच में जो एडमिशन है वो 7 जून से लेकर
7 जून से लेकर 10 जून तक चलेगा। आप 10 जून तक इस बैच में आ सकते हैं प्यारे बच्चों। बस ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस बैच में आ रहे हैं, क्योंकि सीट लिमिटेड है, 25 गर्ल्स के लिए है, 25 गर्ल्स के लिए है और 25 सीट्स बॉयज के लिए है। ये सीट्स बिल्कुल लिमिटेड है। आपको क्या करना होगा, दिया गया नंबर है 7081011964, इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक करा देनी है। और ध्यान रखिए, फिर मैं बोल रहा हूं, आपसे कोई भी कहता है फीस वगैरह के लिए, तो आपको कोई भी फी नहीं पे करनी है, सिंगल रुपी भी नहीं पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी कुछ नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पर कॉल करिएगा आप, इस नंबर पर आपकी सीट बुक हो जाएगी। बस आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेम व्हाट्सएप नंबर है, ये सेम व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप पर आप क्या करेंगे, अपना आधार कार्ड का एक फोटो भेज देंगे और साथ में अपनी एंट्री भेज देंगे कि किस एंट्री के लिए आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं। 7th से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और ये 10th ऑफ जून तक आप इसमें एडमिशन करा सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिए, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इतने बड़े इंडिया के क्वालिफाइड एसएसएस से आपको एसएसबी इंटरव्यू को प्रिपेयर करने का मौका मिल रहा है, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। तो आप ईमानदारी के साथ जरूर कमेंट करिएगा कि ये जो इनिशिएटिव है वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी ने लिया है, कि आज तक किसी ने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि आपके वेलफेयर की बात कभी ऐसे लोगों ने करी। और मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, 1% का भी आप ये मत सोचिएगा कि फ्री है तो कहीं ऐसा हो कि वो क्वालिटी ना मिले, वो एसएसएस ना मिले। बिल्कुल 100% गारंटीड मैं बता रहा हूं कि जो पेड बैचेस में आपको एसएसएस पढ़ाते थे यहां पर, जो आपके फ्यूचर के लिए, आपको एसएसबी के लिए, चाहे साइकोलॉजी का पार्ट है, चाहे जीटीओ का पार्ट है, चाहे इंटरव्यू का है, चाहे आपके आउटडोर्स है, चाहे ओआईआर टेस्ट की प्रैक्टिस है, सेम तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। बस हम भी ये चाहते हैं कि अगर जितना योगदान युवाओं को आगे बढ़ाने में हमें मिल सके, जितना ज्यादा, कह लीजिए एक लकी व्यक्ति होता है जो इतने मौके पाता है और कुछ कर जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपकी अपकमिंग कोई भी एसएसबी लगी है जिसमें आप एनडीए या सीडीएस या एफकैट की एसएसबी या किसी और एंटी के थ्रू आप एसएसबी देने जा रहे हैं, बस ध्यान रखिएगा बिल्कुल लेटेस्ट एसएसबी लगी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका एसएसबी 5 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा, तो आप इस बैच में अलाउड नहीं है। आप सिर्फ अलाउड है इस बैच में जिनकी एसएसबी 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक है, वही बच्चे अलाउड है। तो फटाफट कॉल करिए 7081011964 पे और अपनी सीट आज ही बुक करा दीजिए कि आप 7th को या 8th को रिपोर्ट कर रहे हैं इस बैच के लिए। कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलने वाली है विदाउट एनी चार्ज। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। जय हिंद, जय भारत। India's number one academy, Warrior Defense Academy संघ होगा डिफेंस ऑफिसर बनने का सपना साकार। बेस्ट फैकल्टी और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीखिए सेकेंड्स में सॉल्व होने वाले मैथ्स ट्रिक्स और कीजिए 11th 12th के साथ NDA की तैयारी। न्यू बैच स्टार्टेड फॉर NDA, CDS, SSB। कॉल 7081011964। Warrior Defense Academy, कपूरथला, लखनऊ। India's number one academy, Warrior Defense Academy संघ होगा डिफेंस ऑफिसर बनने का सपना साकार। बेस्ट फैकल्टी और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीखिए सेकेंड्स में सॉल्व होने वाले मैथ्स ट्रिक्स और कीजिए 11th 12th के साथ NDA की तैयारी। न्यू बैच स्टार्टेड फॉर NDA, CDS, SSB। कॉल 7081011964। Warrior Defense Academy, कपूरथला, लखनऊ।